भारत रक्षा मंच द्वारा रविवार को प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना के लिए बड़े धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा जगन्नाथ मंदिर गायत्री नगर से निकाली गई, उसके बाद एटीएम चौक पहुंची, जहां एटीएम चौक में स्थित शिव मंदिर में कांवड़ियों के द्वारा जल अभिषेक किया गया। भारत रक्षा मंच के अध्यक्ष राजकुमार राठी ने कहा, यह कांवड़ यात्रा छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए निकाली गई है। जिन जिलों में कम वर्षा हुई है उसके लिए मन्नत मांगी गई है, क्योंकि सावन मास के पावन बेला पर शंकर भोलेनाथ हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखिए, भारत रक्षा मंच द्वारा आज जगन्नाथ मंदिर गायत्री नगर से भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने हेतु, सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा निकाली गई है। भारत रक्षा मंच के बैनर से कार्यक्रम हो रहा है। हमारे महामंत्री शिव शुक्ला जी, हमारे संगठन मंत्री मंजूर श्रीवास्तव जी, मंडल के अध्यक्ष भाई रविंद्र सिंह ठाकुर जी, हमारे रेखा भाभी किशोर चंद नायक जी, पूरे शिव भक्त आप देख रहे हैं शामिल है, और एक उत्साह का माहौल है। मैं समझता हूँ कि अगर सावन में शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने से सारी इच्छा पूरी हो जाती है, और शंकर भगवान को ऐसे ही महादेव, देव का देव बोला जाता है, महादेव कहा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि आज जो जल चढ़ेगा उससे छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि शांति आएगी, और कुछ क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ में पानी कम गिर रहा है, और अच्छी बारिश की कामना को लेकर भारत रक्षा मंच द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता की सुख समृद्धि की कामना को लेकर ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.